गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैश विद अवेज, जहां मैं आपको सिखाता हूँ क्लैश ऑफ क्लैंस की स्ट्रेटजीज जो आपको इजीली 3 स्टार दिला सके होम बेस और विल्डर बेस दोनों में। यो गाइस, तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये एक बहुत ही एक्टिव चैनल है, तो आपको रोज़ नए नए वीडियोज़ मिलते रहेंगे। अभी थोड़ा मैं बिजी था इसलिए वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब मैं आ गया वापस। तो चलिए फिर बढ़ते हमारे वीडियोज़ की तरफ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही अमेजिंग आइस हाउंड स्ट्रेटजी। जी हाँ, आइस हाउंड यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं गाइस। आइस हाउंड की स्पेस होती है 40 की और ये TH12 पर अवेलेबल है। सुपर ट्रूप है जो लावा हाउंड का है। तो यहाँ पर पहले भी एक मैं आई साउंड स्ट्रेटजी अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन ये उससे अलग है। यहाँ पर हम बैट्स यूज़ करने वाले। सो स्ट्रेटजी में हम यूज़ करने वाले 2 आई साउंड्स, 1 इलेक्ट्रो ड्रैगन, 6 ड्रैगन्स, 10 बलून्स, बैट्स, फ्री स्पेल और CC में स्टोन स्लैमर, रेज, इलेक्ट्रो ड्रैगन और 2 बलून्स। और यहाँ पर भी सेम मेरा बाबी रैंकिंग नहीं है, लेकिन आर्चर क्वीन और ग्रैंड वार्डन है। तो मैं आपको अटैक करके दिखाता हूँ कैसे 3 स्टार करना है। तो चलिए, ये देखिए, ये बेस बहुत ही तगड़ा लग रहा है और यहाँ पर मल्टी इन्फर्नोस भी और हम बैट्स यूज़ करने वाले। तो एक डिसएडवांटेज है, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाता हूँ कैसे अटैक करना है। एक साइड पर हम फनल करेंगे इलेक्ट्रो ड्रैगन से। तो इलेक्ट्रो ड्रैगन आप कहाँ पर डालेंगे, जहाँ पर कॉम्पैक्ट बेस साइड हो वहाँ पर। और एक साइड पर हम यूज़ करेंगे आर्चर क्वीन। अगर आपके पास बार्बियन किंग हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास नहीं है इसलिए मैं उसकी जगह इलेक्ट्रो ड्रैगन यूज़ कर रहा हूँ। तो इसलिए आपका एक इलेक्ट्रो ड्रैगन भी बच जाएगा, तो आप उसको आर्मी में भी डाल सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक एयर डिफेंस डिस्ट्रॉय हो चुका है आर्चर क्वीन के जरिए। सेकेंड नहीं डाउन हो पाएगा। तो देखिए, अब यहाँ पर एक आई साउंड डाला है मैंने अभी और पीछे सारे ड्रैगन्स, बलून्स, स्टोन स्लैमर। और थोड़ी देर बाद दूसरा आई साउंड भी छोड़ देंगे और स्टार्टिंग में रेज यूज़ कर लेंगे हम। और जैसे ही टाउन हॉल का गीगा इन्फर्नो एक्टिवेट होगा, हम यूज़ कर लेंगे हमारी वार्डन एबिलिटी। ये आप देख सकते हैं टाउन हॉल यहाँ पर डाउन हो चुका है। बैट स्पेल वाले अटैक में आपको ये ध्यान रखना है कि पहले आपको टाउन हॉल डाउन करना है कुछ भी करके। सो अब देखिए, मल्टी इन्फर्नो और विजार्ड टावर दोनों को फ्रीज रखते हुए मैंने बैट स्पेल्स डिप्लॉय कर दिए यहाँ पर। याद रखिएगा, मल्टी इन्फर्नोज और विजार्ड टावर्स जो है वो खतरनाक होते हैं बैट्स के लिए, तो उन्हें हमेशा फ्रीज रखना है। अब हमारे पास जो है फ्री स्पेल्स बचे नहीं हैं। चलिए देखते हैं अभी अटैक 3 स्टार हो पाता है या नहीं। मैंने पहले ही कहा था आपको कि ये बैट स्पेल अटैक के लिए एक डिसएडवांटेज बेस है, क्योंकि सारे इन्फर्नोज मल्टी इन्फर्नोज है। लेकिन चलिए अब देखते हैं अटैक 3 स्टार हो पाता है या नहीं हमारे पास। ये देखिए, यहाँ पर आई साउंड का आइस इफेक्ट आ चुका है और दूसरे आई साउंड का भी आउस इफेक्ट। वाह वाह, चलिए अब देखते हैं, उम्मीद रखते हैं हमारा अटैक यहाँ पर 3 स्टार हो जाएगा। इस 1 मिनट बचा हुआ है और आई साउंड्स के जो पप्स है वो भी निकल चुके हैं, आइस पप्स। वार्डन भी हमारा फुल हेल्थ पर है, ड्रैगन से साथ में। चलिए उम्मीद करते हैं अटैक हो जाए 3 स्टार अटैक। चलिए गाइस, क्या लगता है आपको, हम 3 स्टार कर पाएंगे गाइस? लेट्स होप फॉर अ 3 स्टार। अब ये देखिए, लास्ट डिफेंस यहाँ पर इसी के साथ डाउन हो चुका है, बचे 20 सेकेंड। अब देखते हैं 3 स्टार हो पाता या नहीं यहाँ पर। और ये अटैक बिना बार्बियन किंग के था यहाँ पर, वो भी मल्टी इन्फर्नो बेस। और इसी के साथ हमारा अटैक यहाँ पर हो चुका है, एक शानदार 3 स्टार अटैक। तो स्ट्रेटजी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।